So dedication, luck and risk take you to the place where you are dreaming for. So first of all, in this video, I am going to talk regarding how is life at IT service industry, how is growth in IT service industry, how can you pave your career and take yourself ahead from the crowd in IT service industries, and what are the things that you should take care when you are in IT service industry. See, as you all know, many of us, when we are passed out from any of the private university, we are getting placed in any of the other IT service industry. It can be Accenture, Cognizant, TCS, Wipro, Capgemini, LTI, Mindtree and more similar IT companies. Okay, now the thing is, initially the packages are low when you are comparing with any of the other product companies or any of the other technical jobs. So the question might be in your mind ki kis tarah ke kaam karate ye log, kya kaam mein milta kyun, kya hai kyun itna kam package hai, kya meri growth ho sakti hai ya nahi, aur growth hogi to kaise ho sakti hai, ye sare sawal aapke man mein aate honge. और इस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में है. एंड तक इस वीडियो को देखना. अगर आपको लगे कि ये वीडियो कहीं से भी अप टू द मार्क है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और अपने सारे आईटी फ्रेंड्स को शेयर करना. और हाँ, जरूर मेरे को सपोर्ट करना क्योंकि मैं भी एक आप ही की तरह आईटी का बंदा हूँ. और हाँ, वी आर फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग अलॉट इन ऑर्डर टू विन इन दिस रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन इन द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, डेडिकेशन, लक एंड रिस्क मेक यू or take you towards your dream. See, once you know, everything is depending upon many factor. Your success is dependent upon many factor. It's not only about that in which company you are working or which kind of technology you are working. क्या काम आप कर रहे हो, किस तरह से आप डेडिकेटेड हो, क्या काम में आप क्या ज़्यादा इनपुट डाल रहे हो, उससे आप क्या लर्न कर रहे हो, कहाँ से आप उससे आप क्या ग्रैब करके कहाँ जाना चाह रहे हो, सारे चीज़ डिपेंड करती है. और ये सारे चीज़ आपको आगे लेके जाती है, ठीक है. बस एक फैक्टर अगर आप बोलो तो ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर दैट इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन ऑर्डर टू टेक यू टुवर्ड्स योर ड्रीम. बात बहुत ही फैक्ट्री बात बोल रहा हूँ, ये बात बहुत ही सच है, और ये बात के हिसाब से ही आपके आगे की जर्नी तय होती है. सो देखो कैसी होती है लाइफ इन सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में होता क्या है, क्या करना होता है, क्यों करना होता है और क्या ही करना होता है, ये सारे सवाल आपको मिलेगा. सी, एनी ऑफ द सर्विस आईटी इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ अ वेंडर हु इज टेकिंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनी. इट मे बी FMCG सेक्टर, इट मे बी मेडिकल सेक्टर, इट मे बी अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इट मे बी अ FMCG पेट्रोलियम फ्यूल और एनीथिंग दैट यू कैन ड्रीम ऑफ शिपमेंट. एनीथिंग, एनी कंपनी, एनी बिजनेसेस दैट इज रनिंग अक्रॉस द ग्लोब, सबको डिजिटल सपोर्ट चाहिए. वी लिव इन द एरा ऑफ इंटरनेट वेयर ईच एंड एवरी थिंग इज डिजिटलाइज्ड. इवन इफ यू आर एंटरिंग एनी डेटा nowadays, वी आर नॉट मेंटेनिंग अ रजिस्टर. अर्लियर डेज में आप देखते होंगे कि बैंकिंग प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज़्यादा होते थे, बट अब बैंकिंग की बात तो दूर की. इनफैक्ट स्मॉल बिजनेसेस आर हैविंग अ डिजिटल सपोर्ट टीम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम यूजिंग द एप्लीकेशन, यूजिंग मल्टीपल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड ऑल्सो दे नीड अ कंपनी हु प्रोवाइड देम अ डिजिटल स्पेस वेयर दे कैन मेंटेन और मेंटेन देयर बिजनेसेस. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. नाउअडेज यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट, FMCG, मेडिकल, एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट. इन फैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज. सी, सो एज यू नो, अब कंपनी क्या करेंगे. मान लो कि आपको आपकी एक कंपनी है, लाइक बिस्किट बनाने की कंपनी है और कोल्ड ड्रिंक्स मेक बनाने की कंपनी है. ओके, एंड यू वांट, आपकी मेन फोकस क्या है कि कोल्ड ड्रिंक बनाना, कोल्ड ड्रिंक को सेल करना मार्केट में. अब आप कंपनीज जो है इतना बर्डन अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है कि एप्लीकेशन भी वो आपसे बनवा लें. ओके, बैंकिंग ही सेक्टर की बात करें, उनकी मेन बिजनेस क्या है, लोन देना, लोन रिकवर करना. अब अगर वो टेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं, बहुत बैंक्स हैं जो खुद की टीम रखी है, बट हाँ, मैक्सिमम बैंक्स आउटसोर्स करते हैं. अब आउटसोर्स करते हैं तो कहाँ से टीम आएगी. टीम आती है ये सब बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म से. कंसल्टिंग फर्म और सर्विस आईटी इंडस्ट्री, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल सपोर्ट देने में. ओके, सो क्या है, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट से लेके एप्लीकेशन की इन्हांसमेंट से लेके एप्लीकेशन की सपोर्ट की जर्नी की सारी प्रोजेक्ट्स जो होती है वो इन्हीं सब आईटी कंपनीज को मिला रहता है. ठीक है, अब ये आईटी कंपनीज को मिला रहता है. सो वेन एवर यू आर, दे आर हायरिंग पीपल, दे आईदर ट्रेन यू इन एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में वैरी. ओके, सारे बिजनेसेस जो हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे चलती है. किसी को एंगुलर .NET, किसी को सेल्सफोर्स, किसी को SAP की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को
इनफैक्ट AI वेवाई सब की रिक्वायरमेंट है एज पर द बिजनेस। तो बिजनेस के हिसाब से आपको अडेप्ट करवाते हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करते हैं, टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं, और जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बैठते हो तब आप उस टेक्नोलॉजी के नीश में जाके उसको सीखना स्टार्ट करते हो। एक बार तो ओवरव्यू आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेशंस कर लेते हो, उसके बाद आप घुसते हो। तो डे टू डे लाइफ आपका कैसे होगा? सी डे टू डे लाइफ, लाइफ इन आईटी इंडस्ट्री ऐसा है कुछ, लाइफ इन एसेंचर आप मान लो, लाइफ इन TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, कुछ भी, कि डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट फेज डेवलपमेंट में है देन यू विल बी डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट इन अ स्क्रैच वे, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस स्टोरीज और बिजनेस रिक्वायरमेंट यू विल बी गेटिंग, बीए विल बी गेटिंग द रिक्वायरमेंट, ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट बिजनेस क्वेरी इन टू एन टेक्नोलॉजिकल फॉर्म। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ एन, यू विल बी अलॉटेड टू डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, यू विल बी डेवलपिंग एंड एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अनदर पार्ट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट, कोई भी बिजनेस जाता है तो सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे डिजिटली आप वो लोग छोड़ नहीं सकते एप्लीकेशन को, कुछ पर्सन होते हैं जो बैकएंड में देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एप्लीकेशन की नीड होती है सपोर्ट, उसको जरूरत होता है एप्लीकेशन को सपोर्ट करने का, तो उसके लिए भी बंदे बैठते हैं। तो ये IT इंडस्ट्री से ही मिलता है, सर्विस IT इंडस्ट्री से। तो ठीक है, तो डिपेंड करता है, इन्हांसमेंट की भी होती है कि बिजनेस का अभी ये रिक्वायरमेंट है, कुछ देर के बाद ये रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको भी इवॉल्विंग बनाना पड़ता है। तो सी थिंग इज दैट यू मे बी एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर इन, वेदर इट्स अ डेवलपमेंट, इन्हांसमेंट और सपोर्ट, यू नीड टू बी लिटिल बिट डेडिकेटेड टूवर्ड्स लर्निंग। क्योंकि आप जान लो यार, लर्निंग है तभी आगे जिंदगी है। क्योंकि मैं नो पीपल, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम SAP ERP साइड और CRM, SAP CRM इज वन ऑफ द मॉड्यूल। अब मतलब कि बिजनेसेस उसको इवॉल्व, मतलब न्यू बिल्ड में नहीं ला रहे हैं, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग टू द अदर CRMs जिनकी ज़्यादा फीचर्स इंटीग्रेटेड है जिसमें। सो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग CRM वाले, SAP CRM वाले लोग हैं, वो उसको छोड़ रहे हैं और अपनी डायमेंशंस को चेंज कर रहे हैं। तो IT इज वेयर यू नीड टू ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ओके, हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा टू ग्रो अहेड। ठीक है, ये बात बहुत ही सच बात है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा अपने अंदर। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, आपके लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि यू नीड टू बी लिटिल बिट डेडिकेटेड। और कैसे रहना है, देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सबके लाइफ में, बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, कीप ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, दिस इज द लाइफ ऑफ IT। ओके, ये ऐसा नहीं कि टीचर बन गए या 9th-10th के RD शर्मा, RS अग्रवाल रट लिए तो यार पढ़ा रहे हो तो पढ़ा रहे हो, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ सीखे। कभी कभी ऐसा ट्रांजिशन भी होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी को ट्रांजिट करना पड़ रहा है, अगर आप अडेप्ट कर सकते हो देन इट्स बेटर, अदरवाइज यू नीड टू स्किप, आपको छोड़ना होगा। ऐसा सीन भी होता है, बहुत है, मीन्स यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू बी लिटिल बिट अडेप्टिव। सो लाइफ इन एन IT, वॉट आई वुड से एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ एन कॉल ऑल द कॉलेज स्टूडेंट, सी वेर एवर यू आर ओके, यू नीड टू नो मोर, आई कैन बी हेल्प, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, बट वेर एवर यू आर कीप अडेप्टिव, keep yourself as an adaptive person. Okay, you need to adapt that nature of adaptiveness. तब आप survive अच्छा से कर लोगे। ठीक है, transform करो अपने आप को, adapt करो रखो अपने आप को, देखो कितना सही जाएगा सब कुछ। I think बहुत सारी चीज़ मैं cover करने का कोशिश किया, how you should be in IT service industry, what kind of work you are doing, dedication, luck and risk. Okay, these are the factors that takes you towards the next step of your journey or towards your dream. And yes, you can also grow ahead by taking initial or niche steps in your life. I will continue this video in the next long video. Till then, if you think this video are up to the mark, don't forget to give a big thumbs up, subscribe and share it among all your college friend, IT friend. We'll meet you soon with a new informative content. Tab tak ke liye, take care, bye bye, and all the best for all your upcoming events.